तो दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक्निकल रामजी में। आज के वीडियो में मैं आपको बिना कोई टाइम वेस्ट के लिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जी हाँ, पबजी अनबैन होने वाला है इंडिया में। इस बात की गारंटी मैं नहीं बल्कि खुद पबजी कॉरपोरेशन दे रहे हैं। एक बहुत ही लंबा चौड़ा खुद पबजी कॉरपोरेशन ने यहाँ पर बताते हुए ये निकाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आगे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर खुद पबजी कॉरपोरेशन ने रिस्पॉन्ड किया है पबजी मोबाइल इंडिया के बैन को लेके, ठीक है। और यहाँ पर जो भी जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वगैरह जो यहाँ पर देख सकते हैं वो सब मैं हिंदी में ही आपको बताने वाला हूँ समझा के। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, मैं धीरे धीरे मूव करूँगा अब, लेकिन मैं हिंदी में समझाऊँगा क्योंकि मैं सब जान गया हूँ भाई यहाँ क्या लिखा। मैं खुद भी बहुत देर से यहाँ पढ़ रहा था आप वीडियो बनाने से पहले। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में लिखा गया है कि पबजी मोबाइल का जो बैन हुआ था इंडिया में, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को लेके, तो पबजी कॉरपोरेशन ये चीज़ को काफ़ी लाइक दिनों से, 4-5 दिनों से एक्टिवली देख रही है जो भी सिचुएशन वगैरह चल रहा है, बैन वैन हुआ है। और उन लोग इस बात को भी देखें कि इंडिया से कितना गजब तरीके के सपोर्ट प्लेयर्स क्रिएटर्स और बाकी सारे जो हैं हम लोगों ने कम्युनिटी में दिखाया है, जिसके लिए पबजी कॉरपोरेशन हम लोगों को थैंक्स बोल रही है। इंडिया के पूरी प्लेयर मतलब प्लेयर्स को, गेमर्स को जो पबजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब पैशनेट है कि हाँ भाई ये गेम को वापस से अनबैन होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में पबजी ने बता दिया है कि पबजी कॉरपोरेशन पूरी तरह से सरकार के जो डिसीज़न है इंडियन गवर्नमेंट का जो उन्होंने बैन किया है और जिस तरह से लाइक किस कारण से बैन किया उसको वो रिस्पेक्ट लेते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर जो प्लेयर्स का जो डेटा का जो मतलब हो रहा है बात, उसको वो टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी बोल दिया है कि मतलब जो भी काम है मतलब वो सरकार के साथ वो लोग कर रहे हैं और मतलब हो सके तो इस प्रॉब्लम को जो है वो लोग सॉल्यूशन कुछ निकालेंगे जिससे जो गेमर्स हम लोग और आप लोग हैं वापस से पबजी मोबाइल को लीगल तरीके से खेल पाएं बिना कोई दिक्कत के। और साथ ही साथ वापस से जब गेम इंडिया में अनबैन हो तो वो पूरी तरह से इंडिया के लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ दायरे में रहे, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है बहुत ही गजब का, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट लाइक लोग सोच रहे थे कि ये नहीं हो सकता बट यहाँ पर पबजी ने ये करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर रिसेंट में पबजी का जो है, आपको पता है पबजी मोबाइल जो है काफ़ी दिनों से ऑथराइज, साथ ही साथ डेवलपमेंट प्रोसेस सब कुछ ये जो टेंसेंट गेम्स कर रहे थे, तो यहाँ पबजी कॉरपोरेशन ने खुद बता दिया इस वाले स्टेटमेंट में कि अब जो है वो लोग टेंसेंट गेम्स के साथ जो फ्रेंचाइज थे पबजी मोबाइल के उसको वो लोगों ने पार्टनरशिप को तोड़ दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अब किसी तरह का कोई भी आपको टेंसेंट गेम्स का हाथ इंडिया में देखने को आगे नहीं मिलेगा। मतलब आगे की बात करते हैं, जब पबजी अगर अनबैन होता है इंडिया में तो अब सिर्फ पबजी कॉरपोरेशन ही खुद इस गेम को संभालेगी। आगे के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गेम के दायित्व है वो लोग संभालेंगे, चाहे वो अपडेट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे नया नया मैप मोड जो भी है, सब खुद पबजी कॉरपोरेशन और उनके टीम्स बैठ के करेंगे। अब टेंसेंट गेम्स और डू लाइटनिंग क्वांटम स्टूडियोज के साथ इन दोनों से जो है कनेक्शन तोड़ देंगे क्योंकि लाइट एंड क्वांटम स्टूडियोज जो है वो टेंसेंट के अंदर ही आते हैं। तो अगर टेंसेंट से पार्टनरशिप टूटेगा तो उनका स्टूडियोज से भी पार्टनरशिप टूट जाएगा, खुद पबजी कॉरपोरेशन ये सब करेंगे क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि वापस से इंडिया में पबजी लाइक अनबैन होने के बाद बैन हो या कोई दिक्कत आए। और साथ ही साथ हो सके तो इंडिया के लिए खुद का एक नया पबजी मोबाइल वो लोग बना सकते हैं, जैसा कि चाइना में गेम फॉर पीस बन के गया था पबजी मोबाइल चाइना बैन होने के बाद, वैसे इंडिया के लिए खुद के लिए पबजी मोबाइल आ सकता है, इंडिया के लिए अलग सा पबजी मोबाइल। अब देखते हैं अगर ऐसा होता है तो फिर भविष्य में मज़ा ही आ जाने वाला है। एक बात समझ लीजिए कि अब यहाँ पर हो चुका सब बात, ये मैं पढ़ के बता दिया हूँ। अब आते हैं हम लोग मेन अपने बात पे। तो हाँ भाई, अब जो है पबजी हमारा जो है अनबैन होगा इंडिया में, पबजी मोबाइल की बात कर रहा हूँ और पबजी मोबाइल लाइट, क्योंकि ये दोनों का जो है दोस्तों टेक ओवर कर लेने वाली है खुद पबजी कॉरपोरेशन सामने से आ गया भाई। टेंसेंट गेम्स के संग लोगों को पार्टनरशिप तोड़ेंगे और अब ये सब दिन हो सके हमें हफ्ते दो हफ्ते लग सकता है या फिर महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि देखो भाई बहुत बड़ी, आप समझ रहे हो ना, टेंसेंट गेम्स जो है बहुत बड़ा पार्टनर है, ठीक है, बहुत उनके पास काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं। तब वो सबको ब्रेक करना, उसके बाद नया टीम बैठाना, नया स्टूडियोज भी शायद बैठा सकते हैं क्योंकि भाई टेंसेंट गेम्स के अंदर ही लाइट एंड क्वांटम स्टूडियोज आते हैं, तो उनको संग भी फिर ब्रेकअप करेंगे, फिर एक नया मतलब स्टूडियोज लाना, मतलब ये सब काम और प्रोसेस होने में जो है हफ्ते लग सकते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने भर लग सकते हैं। अब कितना टाइम लगेंगे वो तो भाई खुद पबजी कॉरपोरेशन ही आगे बताएंगे कि कब हमारा वापस से पबजी अनबैन होगा और हम लोग लीगल तरीके से प्ले स्टोर से वापस से डाउनलोड करके अपडेट करके खेल पाएंगे। बट ठीक है, जैसे ही मुझे कुछ आगे खबर मिलता है मैं आपको बताता रहूँगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। आज
का जो मैंने आपको सुनाया है, मतलब जो भी ये सब न्यूज़, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और वीडियो पे पहली बार आए हो और तो चैनल पर भी पहली बार आए हो तो इसी बहाने भाई लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी रिगार्डिंग हम लोग वीडियोज़ और भी अच्छे अच्छे टेक वीडियोज़ बनाते रहते हैं, जो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।